8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना से जोड़कर दो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में दिख रहा है कि आसमान में उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई है। एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए इसे तमिलनाडु में बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का दृश्य बताया। इस वीडियो को 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज मिले। और भी कुछ फेसबुक पेजों ने ये वीडियो शेयर किया जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई। दरअसल ये वीडियो फरवरी 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है, यानी यह हाल की किसी घटना का हो ही नहीं सकता। इसे एथेंस के एक पत्रकार ने 11 फरवरी 2020 को पोस्ट किया था। उनके ट्वीट के मुताबिक वीडियो में सीरियाई अरब वायुसेना के MI-17 को तुर्की सेना ने मार गिराया था। हालांकि इस ट्वीट में दी गई जानकारी को हम वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन यह वीडियो बिपिन रावत की मौत से जुड़ा नहीं है। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल है, इसे भी बिपिन रावत की मौत से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। DB न्यूज नाम के एक ट्विटर हैंडल से ये वीडियो 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का बताकर पोस्ट किया गया था। और भी कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया और इसे CDS बिपिन रावत की मौत का बताया। पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी पुराना है। दरअसल ये IAF का MI-17 हेलीकॉप्टर था जो 18 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया था। ANI ने ये वीडियो 18 नवंबर को ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी थी कि दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि सभी सुरक्षित थे और उन्हें मामूली चोटें आई थी। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस घटना की जानकारी दी थी। यानी बिपिन रावत की मौत से जोड़कर शेयर किए जा रहे ऐसे 2 वीडियोस पुराने निकले। धन्यवाद।